देखिए बच के ही कह रहे ना कि दवाई बाहर से मिली, जो पीछे लिखा है जो पर्ची के पीछे तो दवाई बाहर से मिली है, जो अंदर लिखा है तो दवाई जैसे दवाई को लिखा है ना सब बाहर से लिखा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए आज माँ का तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है और इस वजह से हमको निकलना है दवा कराने के लिए, दवा कराने के लिए निकलना है। वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि माँ को सरकारी अस्पताल में दवा करा दें, एक बार दिखा दें कि सरकारी अस्पताल में दवा कैसा होता है, तो फिर हम आप लोगों को ले चलते हैं वहाँ पे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, और वहाँ का सुविधा दिखा रहे हैं कि कितना बढ़िया बढ़िया है। तो आज आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि सरकारी में दवा कैसा होता है और वहाँ पे सुविधा क्या क्या मिलती है, क्योंकि देखिए सरकारी में सुविधा भी तो बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, बशर्ते आदमी को जानकारी और लिंक बढ़िया होना चाहिए। प्राइवेट में तो प्राइवेट वाले पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन प्राइवेट लेकिन सरकारी वाले में समझिए कि आपको लिंक बनाना पड़ता है, जब आप लिंक बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा, तब आपको सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि सरकारी वाला जो सुविधा है ना समझिए पहुँच वालों की ज़्यादा होती है और जिसका पहुंच नहीं है सरकारी में कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो आप लोगों को अभी हम आप लोगों को ले चलते हैं माँ का इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे कि सरकारी सुविधा कैसे मिलती है और कितना सिफारिश करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। हालांकि सुविधा तो सरकार ने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है कि लोगों का इलाज बहुत अच्छे तरह से हो जाए, तो लेकिन अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि लोग सोचते हैं कि इनको सुविधा ना मिले, चाहे लोग जानते हैं देखिए प्राइवेट वाले में क्या रहता है, लोग एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलना रहता है, और सरकारी वाले में ये रहता है कि सर वो लोग सोचते हैं कि उन्हें बाहरी पैसा तो मिलेगा नहीं, ऊपर पैसा मिलता नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो एक्टिव नहीं रहने के लिए फिर आपको एक्टिव होना पड़ेगा तब जाके दवा मतलब हो पाएगा, दवा बढ़िया से हो पाएगा। तो फिर आइए चलते हैं हम आपको लेके वहाँ पे अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और वहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को लाइव कि इलाज कैसे हो रहा है। माताजी का थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन है इस समय और वही कुछ विशेष तबीयत नहीं खराब है, समझिए कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार, जानते ही मौसम बदल रहा है ना, माई भी पुरानी हो गई है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया है। तो अब उस समझिए कि उसी के चक्कर में अब हम सोच रहे हैं कि पहले दिखाई दें उसके बाद से दुकान पर निकलेंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का हाल लाइव। तब तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, अभी हम आप लोग को ले चलते हैं वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी। चला बैठ सा प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब, हाँ माइक बैठे ठीक बात है, माई के तबियत तनिक डिस्टर्ब है, तनिक कमजोरी वमजोरी हो गई बा, कहती है खानो नहीं के बढ़िया से खप, कहती है तनि घबराहटो तरह होता कुछ अच्छा आ हीमोग्लोबिन सर जांच कर रहे राजा राम सरसिया हाँ डेमुसा इसी से हीमोग्लोबिन जांच हो जाता है, कीचे से हीमोग्लोबिन जांच हो जाता है। अच्छा अच्छा मतलब नया सुविधा गया है क्या ये? अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं चेक कर लूँगा पर्ची ये उंगली ढीला बढ़ा दीजिए थोड़ा उसका सही है रिपोर्ट नंबर आप दीजिए फोन करके अपने
कलर से पता चल जा रहा है क्या है? हाँ अच्छा, बड़ा आसान उपाय हो गया है ये। इसे क्या पता चलेगा कलर से? कलर से मैचिंग होता है। हाँ तो मतलब क्या पता ग्राम कितना ग्राम ब्लड है सब? अच्छा, इसे कलर से पता चल जाएगा। तो शुगर वगैरह जांच हो जाता होगा? नहीं, अच्छा किट नहीं है शुगर जाँच। ये पर्ची है। ये 9.8 क्या कहते हैं इसको? ग्राम ग्राम नहीं जान, ग्राम जानते हैं ना कितना ग्राम? नहीं बोलते हम लोग 10 ग्राम है, 12 ग्राम है। अच्छा तो इतना ग्राम ब्लड है? ग्राम परसेंट का जला ओके ग्राम परसेंट डॉक्टर समझ वो थी बात। जैसे हम अपने गांव का यहां है राकेश, चलो भाई प्रसाद बतौला जी पिता है ना। अच्छा 10 पॉइंट रहना चाहिए, सही कराना है ना। अबे ब्लड प्रेशर जांच है, बीपी यहाँ पे जाते हो? हाँ हाँ सर, बीपी कहाँ जाते हो? बीपी चलो भाई ऐसे बैठा, चलो बैठ जाए। बीपी जांच करो बाबू, पकड़ लिखा है। क्या नाम है आपका? परम देवा देवी। पर्ची आपको वहाँ भी है? 140 70 लिख दीजिए। 140 70। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम जी। आओ चलो पर्ची ले लीजिए। पर्ची ले लो आपका भी पर्ची दे जी। हाँ भाई ये बैठ आ जा, बैठ आ जा। जी भाजी दिक्कत वाला का कह रहा था माइक में, कमजोरी वाला ना दिक्कत वाला, कमजोरी वाला दिक्कत वाला, कमजोरी वाला वाला खास करके जो कफ जो है ना, डॉक्टर साहब खांसी से बहुत परेशान भी है भाई। खांसी और कफ जो है, खांसी मनो बहुत ज़्यादा बा, आ कफ भी गिरा था बहुत ज़्यादा, आ कमजोरी भी, आ भूखो नहीं लागत, आ कहती है कब को दैया घूमे लगा था, आ खाना भी नहीं सही से खा पा। हाँ खांसी ढेर बार खांसी खा तो मनो समझिए एकदम परेशान हो गया, समझिए खांसला से कहती है सर दर्द भी बहुत तेज करता है, आ घूमरी भी देवे लगा था पूरा। ये सब दवा बाहर से मिलेगी? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, सब बाहर से दवा ले आइए। चलो मैम कह रहे हैं बाहर से दवा मिले, बाहर से दवा मिले। हाँ तो पूछब कि यहाँ दवा कौन बाकी ना सर? ये देखिएगा यहाँ पे कोई दवा है? नहीं बाहर बाहर का है। अच्छा आओ चलो बाहर से लिया दवा। चलो इस सरकारी अस्पताल है, एजेंट वाई रहे ये जब बैठा हुआ था देखिए टीका लगा था कोरोना वाला है। हाँ तो चलो देख ला जा, ये जब बैठा ऊपर ये जब बैठू कहीं चाहिए मत, चलो चलो गए अब ये जा रही है, चलो चला
तीसरा डोज वाला देखे लागल का जान नहीं का कुछ दवाई जैसे सरकारी में मिलेला लेकिन दवाइयाँ देते हैं हालांकि कलकत्तोल बाजी के यही जब भेजल जाता है मान लिया डॉक्टर शुगर देख लिया तो फ्री में दवाई दे दी हाँ। जैसे बुखार उखार जो होता ना वो दवाई सब बढ़िया मिल जाए जो ना मिली तो बाहर से आ जाए यहाँ का सब सुविधा बटले बा लेकिन जान जो एको बढ़िया दवाई जबाना सब बाहर से ले जाए मोबाइल नंबर से हो जाए कोई है ना क्या टीका निकल लगा कहाँ नीचे टीका लगा था कोरोना वाला कोरोना रही में तो लगे लाई कहाँ बंद बा आओ चलो यही तो लगे ला सुइया चला पूछा था नहीं कोरोना वाला कोविड वाला टीका बाली बा एक कोविड वाला कहाँ रह ला है ऊपर तो बंद है लेबर है लेबर रूम कोविड वाला टीका कहाँ लग रहा है यहाँ पे चलिए लगा जाए हाँ आधार कार्ड